में आपके साथ राधा। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में लगातार जो है सरगर्मियां तेज हो चली है। ऐसे में बात की जाए तो अभी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है अब्दुल अली ईरानी, जिनसे हम जानेंगे कि वो अभी किस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या कुछ अपडेट है। जी ईरानी जी, बताइए क्या कुछ अपडेट है वहां पर। राधा, में इस वक्त जावद विधानसभा के सिंगोली तहसील के फुसरिया गांव में मौजूद हूं। यहां पर कांग्रेस ई के प्रत्याशी समंदर पटेल जो है चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं और वो गांव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये जो फुसरिया गांव है, ये सिंगोली घाट से आगे की तरफ आता है और यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर राजस्थान का मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है और यहां पर जो है समंदर पटेल विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी है जावद विधानसभा क्षेत्र से और वे चुनाव के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। मैं अभी फुसरिया गांव के मुख्य मार्ग पर मौजूद हूँ। बोलिए राधा। सर, बात की जाए तो कार्यकर्ताओं में किस तरह से उत्साह है और अभी जो है ये जनसंपर्क कहाँ कहाँ और जाएगा और वहाँ पर जो गांववासी है उनका क्या कहना है, क्या कुछ मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं? यहाँ पर मैंने गांववासियों से जो चर्चा की है, समंदर पटेल सुबह से चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं और मेरी गांववासियों से जो बातचीत हुई, यहां के मतदाताओं से जो बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि यहां पर एक तो बांध संबंधित समस्या है। जो बांध है वो जो छोटा बांध है वो बांध संबंधित समस्याओं को बता रहे हैं। दूसरी बात, मूलभूत आवश्यकताओं पर गांववासियों का कहना है कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं है उसका अभाव है। गौशाला वगैरह कांग्रेस के जो 15 माह के शासनकाल में जो गौशाला के लिए स्वीकृति मिली थी, इनका कहना है कि अभी उसका काम नहीं हो पाया। इस प्रकार की समस्याएं हैं राधा यहाँ पर और सुबह से ही समंदर पटेल का जनसंपर्क इसी सिंगोली घाटा जो है इस क्षेत्र में जारी है राधा। तो हमने जाना है किस तरह से समंदर पटेल के कांग्रेस प्रत्याशी जो है उनका जनसंपर्क लगातार जारी है, लोगों के बीच जा रहे हैं, मुद्दे जो उभर के सामने आ रहे हैं उसमें भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जगह जगह उनका जो है स्वागत किया जा रहा है। तो यह था अब तक अपडेट। लगातार ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।